हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विदेसर एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्टी फाइव प्लस एमसीक्यूज ऑफ एयर एंड एटमॉस्फेयर चैप्टर क्लास सेवन आईसीएससी बोर्ड ओके सो टारगेट होगा हमारा कि हंड्रेड परसेंट स्कोर करें एग्ज़ाम में और फुल चैप्टर कवर होगा इसमें कोई भी टॉपिक तो नहीं मैंने लेफ़्ट किया और लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो के बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको बता दूँ कुछ वीडियोज़ अवेलेबल है कुछ क्या ऑलमोस्ट सभी वीडियोज़ अवेलेबल हैं हमारी क्लास सेवंथ आई सी एस सी बोर्ड की उनके नेम बता देता हूँ मैं आपको एस्करेटरी सिस्टम लाइट एनर्जी फिजिकल क्वान्टिटीज एंड मेजरमेंट टिश्यू मोशन अटोमिक स्ट्रक्चर लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री फोटोसिंथिस एंड रेस्परेशन एनर्जी साउंड हीट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जहाँ इसको बोलते हैं चेंजेस अराउंड अस सो सारी अवेलेबल हैं सो so, जाके देख लो प्ले अवेलेबल है ओके सो फर्स्ट एम ऑक्सीजन फॉर्म्स डैश परसेंट ऑफ एयर बाई वॉल्यूम इन एयर लिख लो ठीक है इन एयर ओके सो कितने परसेंट जो है एयर है एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन है ओके सो टोटल हंड्रेड परसेंट होता है सो टोटल हंड्रेड परसेंट और टोटल हंड्रेड परसेंट में सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन है ओके सेवेंटी एट परसेंट क्या है नाइट्रोजन जो कि सारा ये पिंक कलर में दिख रही है आपको ये सारी की सारी नाइट्रोजन है उसके बाद आती है ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन जो कि हमारा ये वाला आंसर है ट्वेंटी वन परसेंट इतना ओके ये स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है जो वन परसेंट है ओके सेवेंटी एट प्लस ट्वेंटी वन कितना हो गया नाइन्टी नाइन और जो एक परसेंट रह गया एक परसेंट है काफी सारी गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन या और भी गैसेस ठीक है सो so, मोस्टली आर्गन ही बोलेंगे जो नोबल गैस सबसे ज्यादा है ये भी आगे वाले एम सी क्यू में आएगा याद रखना सो so, इसका आंसर क्या था ऑक्सीजन कितनी है ट्वेंटी वन परसेंट सेवेंटी वन परसेंट क्या है नाइट्रोजन एंड वन परसेंट क्या है आर्गन गैस आर्गन गैस के लोजे बाकी सारी गैसेस अदर गैसेस बोल सकते हैं हम ओके सो इतना टिप्स पे कर लो आगे सारे क्वेश्चन आने वाले इस, इसी के बेस पे सेकेंड क्वेश्चन डैश इज द मोस्ट अबंटेड इनर्ट गैस प्रेजेंट इन एयर इनर्ट गैस कौन सी होती है इनर्ट गैस होती है नोबल गैस ओके okay? इनर्ट गैस मीन्स नोबल गैस नोबल गैस इज वो होती है जो रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ भी ओके okay? किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी सो so, वो सबसे ज़्यादा कौन सी है तो यहाँ पे मैंने बताया था अब ये नहीं कि आपने नाइट्रोजन लगा देना है चूँकि नाइट्रोजन इसका बिल्कुल आंसर नहीं आएगा बिकॉज नाइट्रोजन इज नॉट ए इनर्ट गैस या नोबल गैस नहीं है सो so, नोबल गैसेज कौन सी थी हीलियम होगी आर्गन होगी नियॉन ये जारी नोबल गैसेज हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी है जो यहाँ पे दिख रही है कौन सी दिख रही है आर्गन सो so, इसका राइट आंसर आएगा ए आर्गन क्लियर सो एस एम सी आपके एग्जाम में आएंगे और मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हैं कि जो एग्जाम हो रहे हैं वहीं से यहाँ से ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं सो so, अच्छे से देख लेना ठीक है अच्छे मार्क्स फुल मार्क्स लेके आने हैं एग्जाम में ओके मोस्ट अबांडेड एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इन द अर्थ क्रस्ट ठीक है जो अर्थ की क्रस्ट है क्रस्ट क्या होती है ऊपर वाला जैसे अर्थ है ना अर्थ की काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं तो ऊपर वाली लेयर जो होती है इसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट तो यहाँ पे सबसे अबंडट अब मीनस सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है ये देखो अर्थ क्रस्ट पे जो जो है सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है अराउंड फिफ्टी परसेंट एग्जैक्ट फिफ्टी तो नहीं है यहाँ पे फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव जीरो परसेंट और ये क्या है ऑक्सीजन जो कि हमें चाहिए ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा है बाद में सिलिकॉन है अदर्स एलुमिनियम आयरन कैल्शियम बट हमें क्या चाहिए सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन तो राइट आंसर आएगा ए ऑक्सीजन क्लियर और स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं ये स्लाइड्स बनाने में हेल्प की है नवराज नवराज सर हैं आपके न्यू उन्होंने स्लाइड्स काफ़ी बनाई हैं सो मैनी थैंक्स टू नवराज सर एंड ऑल्सो थैंक्स टू अभिषेक ओके अभिषेक जो कि पी डी प्रोवाइड करवाता है और काफ़ी हेल्प भी करता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच विच गैस इज कॉल्ड एक्टिव एयर कौन सी गैस को एक्टिव एयर बोलते हैं ओके एक्टिव एयर ए सल्फर डाइऑक्साइड बी ऑक्सीजन सी हीलियम डी नाइट्रोजन अगर किसी को आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है नहीं तो मैं अभी बता देता हूं ओके एक्टिव एयर देखो एयर में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं विदाउट दैट गैस वी कैनॉट लीव सो वो कौन सी गैस है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन को ही एक्टिव एयर बोलते हैं ओके ऑक्सीजन इज कॉल्ड एक्टिव एयर बिकॉज इट स्पोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ इसके बिना अर्थ पर लाइफ ही की कोई सोच भी नहीं सकते हम ठीक है इसके बिना ना तो लाइफ थी और ना ही आगे होगी और इसके इस, इससे क्या होता है हो और कम्बशन भी होती है कम्बशन मीन्स जो फायर लगती है ठीक है सो उसमें भी ऑक्सीजन हेल्प करती है डैश इज द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ एयर कॉन्स्टिट्यूंट वॉल्यूम। ओके एक पूछा था अबंड अब पूछा है लार्जेस्ट मीनिंग दोनों का सेम है और इसका आंसर भी आपको फिर पता होना चाहिए ठीक है सबसे ज्यादा क्या है तो इसका आंसर जिसको पता है अभी याद है कमेंट सेक्शन में बता दो नहीं तो अभी बताता हूँ सबसे ज्यादा कौन सी है फिर अगेन नाइट्रोजन नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है उसके बाद आती है ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पर जो कि है ट्वेंटी वन परसेंट टिप्स पे कर लो और लास्ट में वन परसेंट जो है वन परसेंट में ऑल अदर गैसेज आ जाती हैं क्लियर जिसमें कि आर्गन जो है वो नोबल गैस है जो सबसे ज्यादा है क्लियर तो अभी इसका आंसर नाइट्रोजन नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रोजन गैस इज यूज नाइट्रोजन गैस इज यूज कहाँ पर यूज होती है ए पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स जो फूड आइटम्स कैसी हैं जैसे ये कुर्कुरे देखो अंकल चिप्स देखो लेर्स देखो हम सब खाते हैं ओके okay? कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं खाता होगा तो हम सब खाते हैं इसमें काफ़ी हवा भरी होती है एयर भरी होती है हम बोलते हैं कि हमें लेज़ या कुर्कर इतने कम दे दिए तो उसमें जो एयर फिल करके दे दी इसके बैटर था फुल करके हमें देते हैं तो क्योंकि मैं जब छोटा था ऐसे कंप्लेंट करता था इनको बट वो इम्पोर्टेंट है क्यों इम्पोर्टेंट है उसमें एक गैस फिल होती है कौन सी गैस फिल होती है नाइट्रोजन ओके okay? नाइट्रोजन पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स में होती है क्यों क्योंकि ये इसको खराब नहीं होने देगी जैसे लेज़ टू वन टू थ्री मंथ्स पड़े रहते हैं ऐसे शॉप पे तो अगर आ, उसके अंदर एयर चली जाए तो ख़राब हो जाएंगे जैसे हमारे घर पे सब्जी ख़राब हो जाती है अगर बाहर रखो तो लेकिन यहाँ पे पैकेजिंग करके नाइट्रोजन उसके अंदर फिल कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन बाहर आ जाए और नाइट्रोजन उसकी जगह आ जाए और फूड हमारा ख़राब ना हो मीन्स कुकरे लेज अंकल चिप्स ख़राब ना हो क्लियर सो पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स के लिए यूज़ करते हैं नाइट्रोजन एक यूज़ इसका एज ए रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट मीन्स चीज़ों को ठंडा करने के लिए कूल cool करने के लिए वहाँ यूज़ करते हैं हम लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन होती है मींस होती है नाइट्रोजन लेकिन लिक्विड में होती है वाटर जैसी और इसका टेम्परेचर होता है वन डिग्री सेल्सियस काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है वन डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन का सो so, सेकंड वाला भी है, सही है थर्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया तो नाइट्रोजन को हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया के लिए भी यूज करते हैं अमोनिया अगर बनाना हो तो हमें इसमें यूज़ करेंगे अमोनिया का फॉर्मूला क्या है एन एच थ्री एन एच थ्री तो यहाँ से एन जो है नाइट्रोजन का तो एन आया क्लियर तो यहां सब यू सकते हो तो इसका आंसर आएगा डी ऑल ऑफ द अबाउ क्लियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑक्सीजन इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है जब करेक्ट नहीं है अबाउट ऑक्सीजन के बारे करेक्ट नहीं है मीन्स रोंगे बाकी सब ठीक होगा लेकिन एक नहीं होगा ए इट इज कलरलेस ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस तो बिल्कुल करेक्ट है जो नाइट्रो जो ऑक्सीजन है हम देखते हैं एयर में ऑक्सीजन दिखती है कहीं नहीं दिखती सो so, कलरलेस है ऑर्डरलेस है ऑर्डरलेस मीनस इसकी स्मेल आती कोई कि ये ऑक्सीजन है बिल्कुल नहीं आती टेस्टलेस मीनस अगर इसको खा के देखेंगे जैसे पेशेंट्स होते हैं उनके नोज़ में वो पाइप डालते हैं ऑक्सीजन देते हैं ठीक है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन तो क्या उनको लगता है कि हाँ मुझे अजीब सा लग रहा है इस ऑक्सीजन की वजह से नहीं बिकॉज इट इज़ कलरलेस ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस ओके ये तो करेक्ट होगी इट इज़ हैवियर देन एयर बिल्कुल करेक्ट हैवियर देन एयर है तभी तो एयर के अंदर है अगर इससे लाइटर होती ना एयर से हल्की होती तो ये एटमोसफियर के ऊपर चली जानी, जानी थी फिर हमें नहीं मिलनी थी तो बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर ए बी दोनों सही हैं और सी इट इज इनसोलेबल इन वाटर और ये स्टूडेंट्स रोंगे ये सोलेबल है वाटर में ठीक है इनसोलेबल नहीं है सोलेबल है सोलेबल मींस कैसे एग्जांपल से समझाता हूँ आपको मैं देखो वाटर वाटर में ऑक्सीजन कैसे पता चलेगा इसका फॉर्मूला है एच टू ओ ठीक है यही फॉर्मूला है और ऑक्सीजन ये वाला ओ यही तो ऑक्सीजन है ओके अगर इसको सेपरेट करेंगे ना तो बनेगा एच टू प्लस ओ टू और ओ टू हमारी ऑक्सीजन है इट मीनस वाटर के अंदर ऑक्सीजन है तो यहां पे लिखा है कि मिक्स नहीं होगी पर इसके अंदर तो मिक्स होती है ओके सो so, ये वाला सी वाला इसका आंसर आएगा नो ट्रू अबाउट ऑक्सीजन बाकी सारे करेक्ट हैं सो so, इसका ये भी डी भी था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन इज माइनस वन एटी डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर है इस पर क्या करेगी ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस यूजली फ्यूल इन द प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ओके किसी भी चीज का बर्न होना बर्न मीन्स उसको फायर लगना यूल यूजली एक फ्यूल मीन को इसी फ्यूल का बर्न होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर उसको ऑक्सीजन मिले तो क्या बोलेंगे उसको ए कंबशन बी फ्रीजिंग सी इलेक्ट्रोलाइसिस या डी इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट right आंसर है स्टूडेंट्स अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बता दो नहीं तो मैं अभी बताता हूँ तो इसका राइट right आंसर है ए कंबशन देखो कंबशन क्या होता है कंबशन कोई भी फ्यूल है फ्यूल हो गया कोल हो गया एलपीजी होगी पेट्रोलियम डीजल सी कुछ भी है फ्यूल ठीक है वुड हो गया उसको अगर बर्न करें तो उसके लिए ऑक्सीजन हमें चाहिए विदाउट ऑक्सीजन इट कैन नॉट बी बर्न हो ओके ये बर्न ही नहीं होगी एक चाहिए उसको ऑक्सीजन दूसरा उसको चाहिए हीट और तीसरा इंपॉर्टेंट होता है फ्यूल इसको बोलते हैं द फायर ट्राइंगल अगर इसमें से कोई भी चीज़ निकाल दें तो फायर नहीं होगी किसी को भी आग नहीं लगेगी पहले तो हमें फ्यूल चाहिए फ्यूल के बाद हमें उसको हीट करना पड़ेगा और साथ में ऑक्सीजन भी चाहिए ही चाहिए तभी वो उसको वायर लगेगी आग लगेगी ठीक है तो ये लग, इसको बोलते द फाइट राइट आंसर था कंबेशन ए क्लियर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स कंटेन ऑक्सीजन इन डैस्टेट ओके तो ह्यूमन बींग्स जो ऑक्सीजन करते हैं कंज्यूम करते हैं जहाँ कंटेन करते हैं तो कौन सी फॉर्म में करते हैं हम हम करते हैं सिंपल आपको पता होगा आंसर ये देखो ह्यूमंस है तो हम ऑक्सीजन हम ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं गैसिस फॉर्म में तो ए गैस ठीक है लिक्विड हम पीते तो नहीं है कि ऐसे एक ग्लास में एक देना ऑक्सीजन ओके ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना ही सॉलिड होता है कि एक, पे, एक किलो ऑक्सीजन दे दो सो ऐसा भी नहीं होता है तो गैसेस फॉर्म में होते हैं हम लेते हैं तो कंटेन करते हैं इन गैस फॉर्म द कॉन्टिन्यूस कंज्शन एंड रिप्ले प्लानिशमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन नेचर इज इज नोन एज ओके इट मीन्स कॉन्टिन्यूस मीन्स बार बार और न्यू ऑक्सीजन हो रही आ रही है ओके okay. हमें देखो ऑक्सीजन हम यूज़ कर रहे हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं और ऑक्सीजन खत्म क्यों नहीं होगी फिनिश क्यों नहीं होगी पूरी अर्थ से सो so, कोई ना कोई तो सोर्स होगा ना जिससे ऑक्सीजन दोबारा आ रही है ओके okay. फिनिश नहीं हो रही वो सो so फिनिश नहीं हो रही है इट मीन कहीं ना कहीं से वो ऑक्सीजन आ रही है तो वो कहां से आ रही है वो आ रही है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल और कहा जाती है वो फोटोसिंथेसिस से फोटोसिंथेसिस से हम ऑक्सीजन प्लांट बनाते हैं हम कंज्यूम कर लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट ले लेते हैं ओके okay, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल ऑन अर्थ ओके फिर समझाता हूँ ऑक्सीजन बना कौन रहा है प्लांट्स प्लांट्स, प्लांट्स एटमोसफेयर में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उसको एनिमल्स एंड ह्यूमंस उसको कंज्यूम करते हैं हम क्या रिलीज करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट्स को खाना बनाने के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए ओके okay? तो ऐसे लाइफ साइकिल चलता रहता है सो प्लांट्स ट्री कभी कट नहीं करने चाहिए अगर आपके घर में है तो रखो उसको टेक केयर करो ओके okay? तो इसको क्या बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल वोटर साइकिल अलग है वोटरसाइकिल है जो बारिश होती है नीचे आती है फिर पानी वेपोरेशन से ऊपर चला जाता है दैट इज कॉल्ड वोटरसाइकिल ऑक्सीडेशन जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो क्या बन जाएगा एम तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन क्योंकि ऑक्सीजन ऐड होगी इसके साथ पहले मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन नहीं थी अब यहाँ पे ऐड होगी ओके okay, आगे एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में अभी टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा नॉन मोटेलिक ऑक्साइड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स टर्म्स देखो नॉन मोटेलिक ऑक्साइड्स को एसिडिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं बिकॉज दे आर एसडिक इन नेचर कैसे होते हैं नेचर में एसडिक एसिड मीन एसिड बनाते हैं तो ये ब्लू लिटमस पेपर को कैसा करेंगे मीस लिटमस पेपर को क्या करेंगे ब्लू लिटमस टू रेड रेड टू ब्लू या कलर डजेंट चेंज या कलर चेंज ही नहीं होगा ओके लिटमस पेपर क्या होता है बता देता तो हूँ मैं आपको इतनी स्ट्रिप होती है ओके जो हा ऐसे होती है ये ब्लू कलर में मिलती है ब्लू कलर में भी एंड रेड में भी मिलती है ओके रेड कलर में मिलेगी और अगर इसके आगे क्या करेंगे हम ब्लू लिटमस पेपर को ना डिप करेंगे उसमें कोई टाँस से उसको वाटर में मिक्स करके डिप करेंगे तो क्या होगा ये ब्लू कलर का ब्लू से क्या हो जाएगा रेड हो जाएगा ऐसे ब्लू कलर क्या हो जाएगा रेड में टर्न हो जाएगा और रेड कलर सिग्नल होता है एसिड का कि ये क्या है इसके अंदर एसिड है ओके रेड मीन्स एसिड ओके हायर क्लासेस में और पता चलेगा आपको अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है सो ब्लू लिटमस को रेड टर्न करेंगे क्लियर और इसकी अगर एग्जाम्पल देखनी है तो एग्जाम्पल आपके बुक में दो एग्जाम्पल्स हैं कार्बन जो की है एक नॉन मेटल सो नॉन मेटल की बात हो रही है प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एसडी के नेचर देन सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड ओके तो ये भी क्या है एसडी के नेचर एंड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे क्लियर वेरी गुड ऑक्सीजन डजेंट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर दिस शोज दैट ओके फिर लिटमस पेपर की बात होगी ऐसा लिटमस पेपर होता है देखो रेड हुआ ग्रीन ब्लू ऐसे होते हैं ओके ओके सो ऑक्सीजन क्या करती है डजेंट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर सो लिटमस पेपर का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया ऑक्सीजन ने तो इसका मीनिंग क्या है दिस शोज दैट ये क्या बताती है देखो ए ऑप्शन ऑक्सीजन इज नाइदर इधर एसडिक नॉर बेसिक एसडिक इन नेचर ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज बेसिक इन नेचर या बोथ एसडिक एंड बेसिक इन नेचर ओके देखो अगर लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता ठीक है अगर रेड हो जाता ब्लू से रेड होता तब तो एसिड होना था अगर रेड से ब्लू हो जाता कलर तब होना था बेस बट अब अगर अब तो ना तो हुआ है रेड हुआ है ना ब्लू हुआ है वैसा के वैसे रहा इट मीन्स ना तो वो एसिड है ना ही बेस है इट मीन्स ए ऑप्शन ऑक्सीजन इज ना इधर एसिडिक बेसिक क्लियर समझ आया अगर ब्लू से कलर रेड हो जाए तो उसको बोलेंगे एसिडिक मीन्स एसिड. अगर रेड से ब्लू हो जाए कलर तो उसको बोलेंगे बेसिक अब इसमें दोनों नहीं हुए तो इसलिए इसको बोलेंगे नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक क्लियर फिर भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना मैं क्लियर करवा दूँगा डैश इज़ यूज विद एसिटिलीन इन वेल्डिंग टू गेट टेम्परेचर अबाउट थ्री थाउजेंड डिग्री सेल्सियस ओके कौन सी गैस को हम मिक्स करते हैं एसिटिलीन uh, के साथ वेल्डिंग प्रोसेस में ताकि हमें टेम्परेचर थ्री थाउजेंड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाए ताकि हम ईजिली वेल्डिंग कर पाएँ सो so, क्या क्या है वो ए क्लोरीन गैस बी ऑक्सीजन सी सल्फर एंड डी फॉस्फोरस तो आपको स्टूडेंट सबको पता है कि जो कौन सी गैस है जो फायर में हेल्प करती है तो वो कौन सी थी ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज करेंगे और ये वेल्डिंग को बोलेंगे ऑक्सी एसिडिलीन वेल्डिंग ओके ऑक्सी एसिडिलीन वेल्डिंग क्योंकि ऑक्सी फॉर ऑक्सीजन एंड एसिडिलीन ये एसिडिलिन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग टू अकर इज प्रेजेंस ऑफ ओके अब रस्टिंग आपको पता क्या होती है रस्टिंग होता है किसी भी चीज़ पे जंग लग जाना जैसे आपकी जो आयरन आइटम आइटम्स होती हैं जैसे ब्रिज हो गया आपके गेट्स हो गए तो वहाँ पे रस्ट लग जाती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सॉरी वो रस्टिंग होने के लिए क्या क्या हमें चाहिए ए मॉइस्चर बी ऑक्सीजन या सी बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर या डी इनमें से कुछ भी नहीं ऐसे ही खुद ही हो जाएगी तो स्टूडेंट्स मोइस्चर रस्टिंग होने के लिए हमें चाहिए मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन दोनों इट मीन्स इसका राइट आंसर होगा सी बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर क्लियर यहाँ पे देखो आयरन एल्स नो रस्टिंग इस पर रस्टिंग टेक्स प्लेस क्यों क्योंकि यहाँ पे वाटर मिल रहा है टैब वाटर और एयर भी है दोनों एयर से ऑक्सीजन मिल जाएगी टैप वाटर से क्या मिल जाएगा मॉइस्चर यहाँ पे रस्ट नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ बिकॉज बॉयल्ड वाटर था और बॉयल्ड वाटर में क्या होती है बॉयल्ड वाटर में वाटर तो मिल जाएगा लेकिन ऊपर ऑयल लेयर है इसलिए यहाँ पे इसके अंदर एयर नहीं आएगी ओके okay? ऑक्सीजन मिलेगी यहाँ पे नो no रेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे क्या किया यहाँ पे सील कर दिया और ना तो यहाँ पे ऑयल मिल रहा है सॉरी ना तो वाटर मिल रहा है ना मॉइस्चर और ना ही एयर तो इसलिए क्लियर सो so, हमें दोनों चीज़ें चाहिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन इज ऑल्सो नोन एज द डैश ऑफ कम्बशन ऑक्सीजन को कम्बशन का क्या बोलते हैं सपोर्टर ए बी फ्रेंड सी एनिमी या डी इंसुलेटर तो इसको स्टूडेंट्स ऑक्सीजन फायर लगने में हेल्प करता है इसलिए इसको बोलते हैं सपोर्टर ऑफ कंबशन इसको कंबशन ही बोलते हैं ओके okay? तो इसको इसलिए स्पोर्टर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन गैस किसने डिस्कवर की ओके ऑक्सीजन गैस किसने डिस्कवर की ए जोसेफ प्रिस्टली बी हैनरी कैमंडिश विलियम रैमसे या एंटोनी लेविशायर तो इसका राइट आंसर पिक्चर में आपको दिख रहा है जोसेफ प्रेस्टली ओके इसने क्या किया था ऑक्सीजन डिस्कवर की थी लेकिन जो एंटोनी लेविशर था ना इसने ऑक्सीजन इसको नेम दिया था इसने ऑक्सीजन इसको नेम दिया बट डिस्कवर इसने किया जोसेफ प्रेस्टली ने ओके सब्सटेंस दैट अंडरगो रैपिड ऑक्सीडेशन वो वाला सब्सटेंस जो जल्दी जल्दी रैपिड मीन्स क्विकली वेरी फास्ट ऑक्सीडेशन करता है ऑक्सीडेशन मीन्स जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम है अगर सोडियम है एन ए सॉरी हाँ एन ए सोडियम अगर इसके साथ ओ आ गया तो ऑक्सीजन ऐड हो गया इट मीन्स ये ऑक्सीडाइज हो गया ऑक्सीडेशन होगी ऐसे कार्बन है कार्बन सी प्लस ऑक्सीजन आ गया सी ओ या सी ओ टू तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो ये क्या ऑक्सीडेशन होगी तो ये दोनों ही सोडियम एंड कार्बन जल्दी जल्दी रैपिड ऑक्सीडेशन करते हैं ओके okay? दोनों ही अब दोनों में करके बता दिए एन ए दूसरा सी ओ टू पहले एन अकेला था और कार्बन अकेली थी लेकिन ऑक्सीजन दोनों के साथ ऐड हुए हैं ओके सो यहाँ पर लिखा है रैपिड ऑक्सीडेशन रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच मटीरियल बर्न्स रैपिडली उस टाइम उसको आग लग जाए एंड प्रोड्यूस लाइट एंड हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करे हीट भी प्रोड्यूस करे इन द प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो कार्बन कर देता है ऐसा और कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है बन बना दे देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने अभी बताया था जो केमिकल्स की फॉर्म में केमिकल फॉर्मूला और यहाँ पे सोडियम सोडियम सेम ऐसा ही करता है क्लियर ओके, विच अमंग दीज यूज इन फोटोग्राफी ओके इनमें से कौन सा फोटोग्राफी में यूज करते हैं ए जैनन, बी क्रिप्टोन, या सी बोथ ऑफ दीज डी इनमें से कोई भी नहीं तो स्टूडेंट्स जो फ्लैश लाइट होती flashlight, flashlight camera, है ना कैमरा की फ्लैश लाइट ठीक है फ्लैश लाइट ऑफ कैमरा जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनकी जो फ्लैश लाइट काफ़ी ब्राइट होती है उसमें यूज होता है बोथ जैनन एंड क्रिप्टोन, ओके बोथ जैनन एंड क्रिप्टोन यूज इन कैमरा फ्लैश लाइट ओके तो दोनों यूज करते हैं तो इसका आंसर होगा सी बोथ ऑफ दीज़, विच नोबल एलिमेंट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सो जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इसको में से कौन सा यूज करते हैं ए नियोन बी रेडॉन सी आर्गन या डी जेन तो इसमें से यूज करते हैं रेडोन ओके कैंसर ट्रीटमेंट जो कैस कैंसर पेशेंट होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज करते हैं क्लियर प्लांट्स कन्वर्ट डैश इंटू प्रोटीन प्लांट्स कन्वर्ट डैश इंटू प्रोटीन विच इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स ओके सो प्लांट्स किसको प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं जो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के लिए ग्रोथ करते हैं ए नाइट्रोजन बी फास्फोरस, सी ऑक्सीजन एंड डी सल्फर तो इसका राइट right आंसर है ए नाइट्रोजन ओके ए नाइट्रोजन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच गैस इज इंसेंशियल फॉर फोटोसिंथिस इन प्लांट्स इनमें से कौन सी गैस है जो फोटोसिंथिस के लिए इंसेंशियल है मीनस इंपॉर्टेंट है काफ़ी ए कार्बन डाइऑक्साइड बी कार्बन मोनोऑक्साइड सी ऑक्सीजन या डी सल्फर डाइऑक्साइड तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है मैंने लास्ट जो चैप्टर था जो मेरी लास्ट पीढ़ी थी फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन उसमें मैंने बताया था क्लियर कि जो प्लांट्स को रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ओके फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं सो so, इसमें से आंसर आएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर गुड एसिड रेन इज मिक्सचर ऑफ अब जो एसिड रेन है वो किसका मिक्सचर है ए नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड रेन वाटर बी सल्फर ट्राई ऑक्साइड एंड रेन वाटर सी सल्फर ट्राई ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड रेन वाटर या डी इनमें से किसी का भी नहीं तो इसका राइट right आंसर है स्टूडेंट्स सी सल्फर ट्राई ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड एंड रेन वाटर सभी में सभी को मिला के क्या बनेगी एसिड रेन और एसिड रेन स्टूडेंट्स काफ़ी हार्मफुल होती है हमारे लिए भी और हमारे मोनोमेंट्स के लिए भी मोनोमेंट्स कौन से होते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लाइक ला, ला, ताजमहल ओके ताजमहल के जो ऊपर जो संगमरमर लगा है वो खराब हो रहा है ड्यू टू एसिड रेन ऐसे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स ख़राब हो रही हैं ड्यू टू एसिड रेन एसिड रेन होती क्यों है इंडस्ट्रीज की वजह से ठीक है इंडस्ट्री जो उनका पोलूशन से निकलता है फ्यू स्मोक निकलती है वो हवा में जाती है एयर में ये से बारिश होकर वो नीचे आते हैं तो उसकी वजह से एसिड रेन होती है ओके okay? देन एक केमिकल कोल्ड ऑक्सीजनेटेड वाटर ठीक है केमिकल का नेम बताओ जिसको ऑक्सीजिनेटेड oxygen, वाटर भी बोलते हैं मीन्स उसके अंदर वाटर तो होगा मीन्स एच टू तो होगा लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा होगी एच टू ओ का सॉरी वाटर का फॉर्मूला क्या है एच टू ओ ठीक है ये वॉटर का फॉर्मूला है सो वाटर एच टू ओ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एच टू ओ टू ड्यूटरियम ऑक्साइड डी टी ओ या नन ऑफ देंट ऑक्सीनेटेड मीन्स इसके अंदर वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन ऐड होगी मीन्स एच टू ओ टू जैसे कि यहां पे लिखा है ओके okay? तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ओके तो ये इसका राइट right आंसर है इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड वाटर ए मेटल हाईली रेजिस्टेंट टू रजिस्टिंग ओके ए मेटल एक मेटल का नेम बताओ जो हाईली रेजिस्टेंट है रेजिस्टेंट मीन्स रोके रखता है कि इसको रस्टिंग को मीन्स रस्टिंग तो होने नहीं देगा बिल्कुल भी जैसे आयरन जो होती है ईजिली रस्टिंग लग जाती है ओके okay. लेकिन इसको बिल्कुल नहीं लगेगी तो इसको क्या है इसका राइट आंसर ए जिंक जिंक को भी नहीं लगती एल्यूमिनियम को भी नहीं लगती लेकिन थोड़ी बहुत ही रेस्टिंग होती है कॉपर को हो जाती है फिर भी काफ़ी एंड सी टिन टिन को तो बिल्कुल नहीं होती तो इसका राइट आंसर आएगा सी सी टिन ओके टिन का ये रखा यहाँ पे ऑटोमिक नंबर फिफ्टी ऑटोमिक नंबर है ऑटोमिक मास नंबर हंड्रेड एटीन सो ऑटोमिक नंबर याद करना है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एन दो बस ये याद रख लो इसको बोलते हैं एस एन ओके टिन को बोलते एस एन ये याद रखना एस एन मीन्स टिन ये इम्पोर्टेंट है ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ओके ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ए कार्बन मोनोऑक्साइड देखो कार्बन मोनोऑक्साइड तो बिल्कुल हमारे लिए काफी हार्मफुल है हमारी क्या हो जाएगी इससे आ, हम डेथ हो सकती है पहले तो बेहोश हो जाएंगे अनकॉन्शियस हो जाएंगे उसके बाद डेथ हो जाएगी सो ये तो बिल्कुल नहीं कार्बोजन तो इसका राइट right आंसर है कार्बोजन बी ओके बी कार्बोजन कार्बोजन इज ऑल्सो कॉल्ड मैड्यूनाज मिक्सचर आफ्टर इट्स इन्वेंटर लेडीजलेस मेड्यूना इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस ओके तो ये मिक्सचर है इसको क्या बोलते हैं कार्बोजन कार्बोजन और क्या करता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है नेक्स्ट द नैचुरल वे ऑफ एडिंग ऑक्सीजन द नेचुरल वे ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू एयर मीनस नेचुरल फिनोमिना है जिससे क्या हो रहा है ऑक्सीजन ऐड हो रही है एयर में जो हम कंज्यूम करी जा रहे हैं फिर ऐड हो ही जा रही है टू एयर विच इन्वॉल्व ग्रीन प्लांट्स इज कोल्ड जिसमें ग्रीन प्लाट्स इन्वॉल्व हैं उसको क्या बोलते हैं तो स्टूडेंट्स ये तो जिसने मेरी वीडियो पहले वाली देखी है लास्ट वाली उसको क्लियर है कि क्या का आंसर है तो इसका राइट right आंसर है ए फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस ये कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं एयर में जो कि हम बाद में यूज करते हैं क्लियर वेरी गुड ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी करोडेड इसमें से कौन सा ईजिली करोडेड हो जाए क्रोडेड मीन्स रस्टिंग रस्ट जिसको ईजिली लग जाएगी ए स्टेनलेस स्टील कपबोर्ड देखो स्टेनलेस स्टील को तो रस्ट लगता नहीं आपके जो घर में ग्लास यूज करते हो पानी के लिए पीने के लिए ठीक है तो उसको क्या रस लगती है बिल्कुल भी नहीं एक गैलोनाइज आयरन बकट तो गैलोनाइजेशन तो यूज करते हैं हम प्रिवेंट के लिए और गैलोनाइजेशन से हम क्या करते हैं जिंक की ब्लीडिंग करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर देन एन आयरन हैमर तो आयरन हैमर को रस्ट लग जाएगा सो इजिली क्रोडेड हो जाएगा और लास्ट से तो देख हैं डी ए टिन प्लेट आयरन बॉक्स प्लेटेड सो टिन भी बोला है कि जस्ट बिल्कुल नहीं लगता है तो इसका आंसर होगा सी एंड आयरन हैमर ये वाला क्लियर हथौड़े का बोलते हैं हैमर। द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन आर बॉडी टेक्स प्लेस इज ओके वो वाला प्रोसेस का नाम बताओ जिससे क्या होती है ऑक्सीडेशन होती है हमारे फूड की तो हमारी बॉडी के अंदर ए ऑप्शन जे बी जिसने मेरी वीडियो देखी है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन उनको क्लियर होगा आंसर जिन्होंने नहीं देखी वो देख लो जाके मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं ए फोटोसिंथेसिस इसको बोलते हैं बी रेस्पिरेशन सी डी कम्पोजिशन या डी कम्बन ओके तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर मुझे पता है जिसने वीडियो देखी है नीचे कमेंट करके बता दो बी रेस्पिरेशन ओके रेस्पिरेशन में क्या होता है हमारा जो फूड है ना उसको क्या क्या करते हैं यूटिलाइज करके उसको डी करके तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और हमें एनर्जी मिलती है ओके रेस्पिरेशन इज मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट टू द सेल्स ऑफ विद इन टिश्यू सो बाहर से जो ऑक्सीजन है हमारे सेल्स टिश्यू तक एक एक तक जाती है ओके नेक्स्ट मेटेलिक ऑक्साइड्स ओके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या थे अगर आपको याद होगा तो नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड्स है ठीक है यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड्स लेकिन मैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूँ जो पिछले स्लाइड हो चुकी है वो थे एस डी के इन नेचर एंड जो मटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर अगर बेसिक इन नेचर हैं तो मुझे बताओ कि ये ब्लू लिटमस टू रेड करेंगे या रेड लिटमस टू ब्लू करेंगे ओके okay, बेसिक है तो ये आपको याद है क्लियर हो गया होगा ये करेंगे रेड लिटमस टू ब्लू रेड को ब्लू कर देंगे बिकॉज इट इज़ बेसिक इन नेचर तो बेसिंग होते हैं नेचर में उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी देखो मैग्नीशियम प्लस ओ टू ठीक है टू एम जी प्लस ओ टू मन गया टू एम जी ओ तो ये बोलते हैं मटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इन ओके अब कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस बताओ कि क्या क्या हैं सो कार्बन डाइऑक्साइड ए देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा क्या इसमें यूज करते हैं यस डेफिनेटली वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा बनाने में यूज करते हैं देन मैनुफैक्चरिंग ऑफ यूरिया यूरिया बनाने में यूज़ करते हैं यूरिया कहाँ यूज़ होता है होता है ये पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स में ओके okay? जो खाद होती है जो फार्मर्स यूज करते हैं वहाँ पे यूरिया यूज़, यूज़ होता है देन फायर एक्सटिंगश्योर फायर एक्सटिंगश्योर क्या आते हैं ये वाले इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है ठीक है ड्राई ड्राई फॉर्म में तो इसका आंसर आएगा डी ऑल ऑफ द अबव सभी जगह यूज होती है फायर कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे यूज हैं याद रखना ओके okay? विच ऑर द फॉलोइंग नोबल गैस इज यूज इन ग्लो लेम्प्स इसमें कौन सी नोबल गैस है जो ग्लो लेम्प्स ऐसे ये देखो कैसे ग्लो कर रहे हैं ठीक है आपने भी देखे होंगे एडवर्टीजमेंट बोर्ड शॉप्स के बाहर ऐसे कलरफुल देखे कभी अगर देखे तो कमेंट करके बताना ओके तो ये कौन सी गैस यूज करते हैं किसी हेल्प से ऐसा कुछ ग्लो कर रहे हैं कलरफुल आ रहे हैं तो इसका देखो ही यूज़ करते हैं बैलून्स में क्योंकि बिकॉज इट इज़ लाइटर दैन एयर बैलून्स आर्गन गैस यूज़ करते हैं हम बल्ब में बल्ब का फिलामेंट होता है ना उसकी ऑक्सीडेशन रोकने के लिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है और नियन यूज़ है इसको बोलते हैं न्योन लाइट्स ओके नीओन लाइट्स तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम ये वाली एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं ओके okay, अब कंबर्शन एंड रेस्पिरेशन में कुछ सिमिलैरिटीज एंड कुछ डिफरेंस हैं जो मैंने डिस्कस करने थे इसकी मैंने बनाए नहीं है एम सी यू बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था ओके okay. देखो सिमिलैरिटी देखो कम्बशन एंड रेस्पिरेशन में क्या है पहले कम्बशन क्या है जो फायर कैच कर रहा है ओके okay, फायर वो कम्बशन है रेस्पिरेशन क्या है जो सेल जो कह रहे हैं जो लास्ट वीडियो में देख लेना मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो हमारा फूड है यूटिलाइज हो रहा है और ऑक्सीजन हम ले रहे हैं बाहर से फूड प्लस ऑक्सीजन तो क्या मिल रहा है हमें एनर्जी मिल रही है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और बाहर जा रही है तो उसमें देखने सिमिलैरिटी क्या है बोथ प्रोसेस टेक प्लेस इन प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों को ऑक्सीजन चाहिए बिल्कुल करेक्ट बोथ प्रोसेस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स बाई प्रोडक्ट्स सो दोनों क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं हम भी और कंबशन में भी एंड वाटर वेपर्स रिलीज करते हैं तो ये दोनों हैं इनकी सिमिलैरिटीज अब डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस फोर ए पॉइंट्स ए इट टेक्स प्लेस एक्सटर्नली कम्बेशन एक्सटर्नली होता है मीन्स ऐसे हम फायर को खा जाएंगे नहीं तो बाहर होगी रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अंदर होगी इट इज़ ए फास्ट प्रोसेस कम्बन आग लगाई उसी टाइम लग गई इट इज़ ए स्लो प्रोसेस रेस्पिरेशन स्लो स्लो होती है हम तो ब्रीदिंग फास्ट फास्ट कर लेंगे बट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस है वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है सो इट इज़ ए स्लो प्रोसेस देन इट इज़ नॉट ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस कॉन्टीन्यूस प्रोसेस नहीं है बिकॉज फायर मे भी हो सकती है पद में अगर पानी डाल दो तो स्टॉप हो सकती है लेकिन जो रेस्पिरेशन है इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चलता रहता है दिन रात चाहे हम सो भी रहे हैं तब भी रेस्पिरेशन होती रहेगी इट टेक्स प्लेस अनटिल फ्यूल इज अवेलेबल जब तक फ्यूल है तब तक चलेगी तो ये तो चलती रहेगी जब तक आदमी जिंदा है जब मर गया फिर रेस्पिरेशन ख़त्म और लास्ट हीट एंड लाइट आर रिलीज एज प्रोडक्ट्स ऑफ द ठीक है हीट एंड लाइट रिलीज होती है तो इसमें हीट तो रिलीज होती है बट लाइट नहीं रिलीज होती है थोड़ा सांस लिया बाद में लाइट निकली तो ऐसा कुछ नहीं होगा ओके okay? सो so ये डिफरेंस थे डैश गैस इज यूज इन बैलूस बैलूस में आप बताओ कौन सी गैस यूज़ होती है ठीक है बेलून्स आपने सारे सभी ने देखे हैं कैसे होते हैं बेलून्स इसमें इस कौन सी गैस यूज होती है जिसकी वजह से ऊपर हवा में उठते हैं ओके फ्लाई करते हैं ना तो कौन सी गैस होती है हाइड्रोजन गैस देखो हाइड्रोजन गैस यूज कर सकते थे ये भी लाइटर देन एयर होती है बट क्यों नहीं करते बिकॉज ये ब्लास्ट कर जाएगी अगर इसके पास फायर लेके जाओगे ना बच्चे खेलते रहते हैं आग से भी तो क्या होगा ये ब्लास्ट कर जाएगी बिकॉज हाइड्रोजन इज़ ए हाईली फ्लेमेबल गैस आर्गन गैस बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती है बट यूज़ नहीं करते हम सो हीलियम गैस यूज़ करते हैं बिकॉज ये अवेलेबल हुए हैं हमारे पास प्लस ये फायर भी गैच नहीं करेगी इजली एंड लाइटर दैन एयर और लाइटर दैन एयर की वजह से उन्हें से ऊपर ऊपर उप जाते हैं अगर एयर से हैवी होते जैसे जो हम जो हम करते हैं ना एयर ब्लो करते हैं बेलून के अंदर खुद वो नीचे गिर जाते हैं क्यों क्योंकि जो, जो एयर है ना वो जो मॉप से हम फिल करते हैं देखा ना पानी आ जाता है बाहर बेलून से वाटर तो तभी आता है तो इसमें हीलियम होती है हीलियम की वजह से ऊपर को फ्लाई करते हैं क्लियर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज़ कोल्ड ओके एयर में जो वाटर वेपर है प्रेजेंट ये दिख रहे हैं वाटर वेपर सारे दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे ग्रास पे ये यहाँ पर भी आ रहे हैं कब से बाहर ओके okay. ऐसे आपने किया भी होगा जब कार के पीछे करते हो ठीक है होता है ना विंटर्स में कार के पीछे ऐसे डिजाइन बनाते हो अपना नाम लिखते हो जैसे रोहन कार के पीछे लिख दिया रोहन लिख दिया कुछ भी लिख दिया सो वो क्यों होता है उसको क्या बोलते हैं ए ह्यूमिडिटी बी रेसिडिटी सी रस्टिंग स्टूडेंट्स देखो रस्टिंग क्या है रस्टिंग जो आयरन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो उस पे जंग लग जाना वो रस्टिंग है एसिडिटी रस्ट, इज अगर फूड ख़राब हो, स्पोयल हो रहा है था फूड की स्पॉइलेज स्पॉइल हो रहा है फूड ख़राब हो रहा है उसको बोलेंगे रेंसिडिटी और इसका राइट आंसर है ह्यूमिडिटी ओके विंटर्स में एंड जो रेनी सीजन होता है वो तब क्या होती है तब ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा आती है लेकिन जो हम हमारे मंथ आते हैं मई एंड जून मई एंड जून में एंड ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होती है ओके नेक्स्ट द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड ओके क्या और ये है वेपोरेशन हो रही है ठीक है ये देखो वेपोरेशन वैपोरेशन क्या वैपोरेट कर रहा है वाटर वैपोरेट हो रहा है फिर क्या और ये? Condensation हो रही है कॉन्डेंशेशन हो रही है कंडेंसेशन ये देखो कंडेंसेशन क्या होती है कि जो वाटर वेपर्स है ना वो ठंडे होना ओके okay? जैसे कि आपने देखा होगा अगर कोई कुकिंग कर रहा है घर पे और वाटर रखा है किसी बीकर के अंदर उसकी जो प्लेट होती है ऊपर उस उसमें वाटर वेपर्स आ जाते हैं ओके okay? तो होती है कंडेंसेशन एंड लास्ट प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन होती है ट्री से जैसे ट्री है ठीक है एक ट्री है तो यहाँ से क्या हो रहा है ऊपर को प्रेसिपिटेट कर रहे हैं वाटर जा रहा है तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं अब ये वाले सारे प्रोसेस को बोलते क्या हैं देखो इसमें क्या हो रहा है वैपोरेशन में वोटरी वाटर वैपोरेट हो रहा है कंडेंसेशन में वाटर कंडेंस हो रहा है एंड प्रेसिपिटेशन में वाटर फिर ऊपर जा रहा है तो तीनों में कॉमन चीज़ क्या थी वाटर इसलिए इसको बोलते हैं ए वाटर साइकिल ओके वाटर साइकिल ऐसा होता है इसीलिए बारिश होती है और इसीलिए फिर पानी नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है फिर बारिश ऐसे थोड़ा भगवान पानी नहीं खत्म हो रहा है वहाँ से ये नेचुरल प्रोसेस है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एनी हार्मफुल सब्सटेंस दैट कंटेमिनेट्स द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो क्या करे कंटेमिनेट मीन्स गंदा करे इन्वायरमेंट को उसको क्या बोलते हैं ए प्लूटेंट बी कैटलिस्ट या सी प्योरीफायर जो तो देखो जो गंदा कर रहा है उसको प्योरीफायर बोलेंगे और गंदा कर रहा है नहीं तो ऐसा नहीं बोलेंगे कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को फास्ट करे रिएक्शन को जो फास्ट करे बट खुद उसमें मिक्स ना हो उसको बोलते कैटलिस्ट इसके ऊपर भी MCU आएगा नेक्स्ट याद रखना ओके एंड ए इसका राइट आंसर रहेगा प्लूटेंट प्लूटेंट बोलते किसको जो क्या करे जो एनवायरमेंट को कंटेमिनेट करे एनवायरमेंट मींस चाहे एयर को गंदा कर दे वाटर को गंदा कर दे या किसी भी चीज को गंदा करे एग्जांपल हम व्हीकल यूज करते हैं कार यूज करते हैं उससे क्या कर रहा है क्या आता है ठीक है स्मोक बाहर आती है ओके okay? फ्यूम्स तो इसको बोलेंगे हार्मफुल गैसेस बाहर आ रही हैं और ये क्या कर रहे हैं पोलूटेंट है ओके okay? इसलिए मोस्टली क्या आप यूज करें डीजल वाली कम यूज़ करते हैं डीजल कार्स जो हैं बैन है डेली में और वहाँ पे चलती हैं सी एन जी बिकॉज सी एन जी से क्या होता है बाहर प्लूटेंट सबसे कम आते हैं क्लियर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन अब बताओ इसमें इस से कौन सा एयर पोल्यूशन का सोर्स है किस में से किससे एयर पोल्यूशन होता है ए कंबशन ऑफ फ्यूल्स इससे एयर पोल्यूशन होता है डेफिनेटली यस बी इंडस्ट्रियल गैसेज इससे भी होता है एयर पोल्यूशन यस और सी क्लोरोफ्लोरो कार्बन क्लोरोफ्लोरो कार्बन होती है हमारे रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर एसी के अंदर ओके एसी एंड फ्रिज के अंदर होती है क्लोरोफ्लो का वो इससे भी आती है एयर पोल्यूशन होता है इससे हमारी जो ओजोन लेयर है ना ओजोन लेयर जो कि अल्ट्राइल वॉयलेट रेज को प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन को स्किन को प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम अल्ट्रा वॉयट रेज तो वो क्या हो रही है डिप्लीट हो रही है डिप्लीट मीन्स ख़त्म हो रही है सो कम यूज़ किया करो इसी देखो गर्मी अगर ज़्यादा होगी तो तब तो चला लो अगर घर पर है तो लेकिन ये नहीं कि वेदर ठीक हो गया फिर भी चलाते रहो सो कम यूज़ किया करो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्मोक कम्स स्मोक कम्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल बाय व्हीकल्स फॉर्म्स ओके जो स्मोक आ रही है इंडस्ट्रीज से एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स बाय व्हीकल्स वो क्या बना रही है ए स्मोक बी स्मोग एंड सी फोग ओके स्मोक है आपको क्या होती है जो धुआं होता है फोग है आपको क्या होती है जो विंटर्स में ऐसा होता है लेकिन इसका राइट right आंसर है बी स्मोग स्मोग क्या होगी स्मोक प्लस फोग दोनों को मिला दो तो तो क्या बन गया स्मोग लेकिन स्मोग हार्मफुल है काफ़ी अगर अकेली फोक की बात करो ना तो हार्मफुल नहीं है देखो स्मोक तो हार्मफुल है ही है लेकिन फोग हार्मफुल नहीं है उसमें तो सिर्फ वाटर वेपर्स होते हैं लेकिन अगर उसके साथ फोक और स्मोक दोनों मिक्स हो जाए देखो एक और चीज़ बताता हूं अगर स्मोक है किसी से निकल रही तो वो कहाँ जाएगी वो तो ऊपर चली जाएगी तो हमें क्या नुकसान होगा ज़्यादा नहीं होगा अगर फोग है उसका हमें तो वैसे कोई नुकसान नहीं है सिर्फ विजिबिलिटी कम हो जाती है ऐसे वैसे कोई नहीं है पर तो अगर दोनों मिक्स हो जाए तब क्या होगा जो स्मोक ऊपर जा रही थी वो ऊपर नहीं जाएगी और जो फोक की वजह से वो नीचे ही रहेगी और नीचे की हम क्या करेंगे ब्रीदिंग करेंगे चलेंगे फिरेंगे वहाँ पर और हमारे अंदर जाएगी यही हो रहा हाल दिल्ली में ये दिल्ली की पिक्चर दोनों एक एरिया है जहाँ पे स्मोक नहीं है और दूसरी में स्मोक है और खुद देख लो हाल क्या है और यहाँ पे आप मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हो तो आप अराउंड फिफ्टी सिगरेट्स पी रहे हो फिफ्टी सिगरेट्स इतना ज़्यादा स्मोक में होता है और ये कब होगा ये अभी इसी मत में दिसंबर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आफ्टर टेन या फिफ्टीन डेज आप न्यूज़ में सुनोगे कि यहाँ पे स्मोक काफ़ी ज़्यादा है दिल्ली में ओके टेन फिफ्टीन डेज़ के बाद कि देख लेना तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्मोक और स्मोक काफी हार्मफुल होती है मैच द फॉलोइंग अब इसमें से मैच करना है ए वाटर इन द एयर जो एयर में वाटर है उसको क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं वाटर वेपर्स ओके और वाटर वेपर की वजह से होती है ह्यूमीडीटी क्लियर सो यहां पे लिख तो तो मैं ए देन आर्गन गैस आर्गन गैस को कहाँ यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स आर्गन गैस को यूज़ करते हैं हम मैनुफैक्चरिंग ऑफ स्टील में तो इसका आ गया बी मैनुफैक्चरिंग ऑफ स्टील सॉरी 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 यहाँ पे ए और बी मैनुफैक्चरिंग ऑफ स्टील देन सी नियोन नियोन हम यूज़ करते हैं नियोन की मैंने आपको लैंप्स दिखाई थी ट्यूब्स ठीक है जो कलरफुल थे तो ग्लो लैम्प्स ये हो गया सी ओके सी हो गया ये देन सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं क्या बोलते हैं ड्राई आइस तो ये हो गया डी एंड लास्ट ये हो गया डी एंड लास्ट ई क्लोरोफिल और देख लेते क्लोरोफिल क्या है फोटोसिंथेसिस और इसका स्क्रीन ले लो और सी सीरी लोड में लिख लेना ओके okay? ले लिया वेरी गुड विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर गैल्वनाइजेशन ऑफ आयरन टू प्रिवेंट फ्रॉम इट्स कोरोजन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन कोरोजन क्या है रस्टिंग है अगेन तो इस पर क्या करते हैं आयरन आइटम्स के ऊपर किसी की प्लेटिंग कर देते हैं जिसको बोलते हैं गैल्वनाइजेशन ताकि क्या हो वो रस्टिंग ना हो तो किसकी करते हैं ए क्रोमियम बी कॉपर चाह जिंक तो ये करते हैं जिंक की प्लेटिंग करते हैं जिसको बोलते हैं गैलोनाइजेशन ठीक है ये बोला गैलोनाइजेशन की प्लेटिंग करते हैं ये मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी एक्सप्लेन किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वीडियो काफ़ी हिट हो रही है चैनल पर जाके देख लेना विच नोबल गैसेज फील्ड इन टू इलेक्ट्रिक बल्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ देयर फिलामेंट ओके काफ़ी समझने वाला ये चीज़ है देखो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना उसके अंदर होता है एक ऐसी चीज ये दिख रही है ठीक है ऐसी होती है पतली सी वायर पतली वायर किसकी बनी होती है टंगस्टन की टंगस्टन ओके चंगी अच्छे से मैं एक्सप्लेन लिखता हूँ टी यू एन जी एस टंग टी यू एन टंगस्टन टंगस्टन मेटल की बनी होती है ओके इसको बोलते हैं फिलामेंट ओके फिलामेंट सो फिलामेंट की क्या है अगर एक गैस उसके अंदर फिल ना करें वो गैस कौन सी है उसका भी बता देता हूँ अगर किसी को पता है तो कमेंट कर दो अगर नहीं पता तो बता देता हूँ तो उसके अंदर गैस होती है आर्गन सो आर्गन गैस को फिल करते हैं क्यों करते हैं ताकि उसकी ऑक्सीडेशन ना हो अगर ऑक्सीडेशन होगी सॉरी अगर इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये क्या होगी वायर टूट जाएगी ब्रेक हो जाएगी सो ब्रेक होगी तो हमें लाइट नहीं मिलेगी, मिलेगी। क्लियर तो इसलिए इसके अंदर ऑर्गन गैस फिल करते हैं और फिलामेंट भी बता दिया किसके बनाए टंगस्टन का काफी इंपॉर्टेंट याद रखना डैश इज ए सबस्टांस दैट स्पीड्स अप रिएक्शन विदाउट इट्स सेल्फ गेटिंग कंज्यूम्ड इसका मैंने आंसर बताया था पहले भी अगर किसी को याद है तो कमेंट कर दो नहीं याद तो बताता हूं मैं ओके okay. तो कौन सा सब्सटेंस है जो क्या करता है स्पीड अप करता है रिएक्शन को फास्ट करता है लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होता उसके अंदर तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस या सी कैटालिस्ट तो इसका राइट आंसर मैंने बताया था कैटालिस्ट सी कैटालिस्ट के नेम बता देता हूँ मैं यहाँ पे रिएक्शन की हेल्प से उसमें जाता हूँ हाइड्रोजन परऑक्साइड ओके ये क्या होगा वाटर देगा हमें प्लस ऑक्सीजन गैस तो इसको रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प कौन करेगा मैग्नीज डाइऑक्साइड ये वाला और इसको बोलेंगे कैटालिस्ट और ये कैटालिस्ट देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड से हमें यहाँ पे मैगनीज तो नहीं कुछ मिला यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि ये खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ उसमें लेकिन इसने क्या किया रिएक्शन को फास्ट कर दिया हेयर मैगनीज डाइऑक्साइड वर्क्स एज ए कैटलिस्ट तो इसको बोलते हैं कैटलिस्ट ओके वेरी गुड ऑयल टैंकर आर फ्लस्ड विद नाइट्रोजन विद गैसेस नाइट्रोजन ओके जो ऑयल टैंकर होते हैं ना ऐसे चाहे जो शिप्स में भी आते हैं उनमें क्या करते हैं हम नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं क्यों करते हैं ऐसा टू अवॉइड रेंसिडिटी ऑफ दैट्स रेंसीडिटी अवॉइड करने के लिए टू रिड्यूज रिड्यूज द चांस ऑफ एक्सप्लोजन ज सी ऑल ऑफ दम दोनों के लिए रेंसिडिटी के लिए भी ऑयल एंड फैट्स की वो इसके अंदर तो होती नहीं है तो मेन प्रोसेस आपकी जो बुक में है वो बी है टू रिड्यूज द चांस ऑफ एक्सप्लोजन ताकि ब्लास्ट हो जाए तो इसका आंसर लिखना बी टू रिड्यूज द चांस ऑफ एक्सप्लोजन डैश इज यूज इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स एरेटेड ड्रिंक्स कौन सी होती है लाइक कोक पैप्सी ड्यू जैसे कि ये पिक्चर में दिख रही है ड्यू है ओके okay. पिक्चर में क्या दिख रही है पिक्चर में ड्यू दिख रही है आपको ओके okay. और स्टूडेंट ये पिक मैंने खुद क्लिक की है आपको बता दूं खुद क्लिक की है और जब मैं को ड्यू पीने वाला था तो देखो इसमें के अंदर क्या है फिज है फिज क्या होता है बबल्स ये बबल्स दिख रही है आपको ठीक है थोड़ा जूम करके दिखाता हूं सॉरी ये देखो बबल्स ओके और ये बबल्स है वो किसके बने हैं इसको बोलते हैं फिज एपी फिज पी भी हो गया अपने ओके सो गैस इसके अंदर एक गैस होती है वो गैस कौन सी है उसका नाम बताना है ये इंपॉर्टेंट है ए कार्बन डाइऑक्साइड बी ऑक्सीजन सी नाइट्रोजन तो इसका राइट आंसर क्या है आपको शायद पता होगा पता है तो कमेंट करके बता दो उसके अंदर होती है ए कार्बन डाइऑक्साइड और मैं आपको बता दूं जो पैप्सी एंड कोक है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है इसलिए आपको जो नोज़ के ऊपर ही चल जाती चली जाती है कभी कई कई बार ओके okay, होता है ना सो कार्बन डाइऑक्साइड ओके स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर नहीं किया तो लाइक करो वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो टेक केयर योर सेल्फ बाय बाय